तमिलनाडु का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक फालूदा बेचने वाले की घिनौनी हरकत कैमरे में कैद हुई। फालूदा बेचने वाले इस शख्स की हरकत देखकर लोगों का मन खराब हो गया। अब ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में है और सोशल मीडिया पर घिनौनी हरकत का वीडियो वायरल है। वायरल वीडियो में तमिलनाडु के वारंगल जिले के नेकोंडा इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में एक आइसक्रीम स्टॉल पर एक शख्स खड़ा है जो स्टॉल पर खड़े होकर गंदी हरकत कर रहा है। कथित तौर पर वे अपना स्पर्म निकालकर फालूदा में मिला रहा था। वीडियो में अश्लील हरकत करते हुए देखा जा सकता है। आरोप है कि ये शख्स फालूदा में अपना स्पर्म मिला देता था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर यूजर्स भड़क गए हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर आइसक्रीम स्टॉल पर छापा मारा और आइसक्रीम को कब्जे में ले लिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस और खाद्य अधिकारियों ने ऐसे कई वेंडर्स को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। इस घृणित कृत्य का वीडियो देखकर सोशल मीडिया पर तमाम लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि स्थानीय पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर बताया है कि नेकोंडा मंडल ने कल एक व्हाट्सएप वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक शख्स सार्वजनिक स्थान पर अभद्र व्यवहार कर रहा था। नेकोंडा पुलिस ने कानूनी मामला दर्ज किया और गिरफ्तारी की। हालांकि ये शख्स फालूदा में स्पर्म या पेशाब मिलाता था या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये लोग लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक ने लिखा कि पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। एक अन्य ने लिखा, इतनी कड़ी कार्रवाई हो कि ऐसा कोई आगे से करने के बारे में ना सोचे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।